Question, expand 3a minus 5b minus c whole square. हमें इसको expand करना. 3a minus 5b minus c whole square. और इसमें हम identity यूज करेंगे x plus y plus z whole square की. इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए पहले हम इस दोनों माइनस को पहले प्लस में चेंज करेंगे. तो ये 3a प्लस माइनस 5b प्लस माइनस c होल स्क्वायर. और फिर इसको सपोज x लेंगे, इसको y और इसको z, और फिर इस फॉर्मूला को यूज कर देंगे. तो इसका फॉर्मूला है x स्क्वायर, x के प्लेस में लेंगे 3a, तो ये होगा 3a होल स्क्वायर प्लस फिर ये y स्क्वायर है, y के प्लेस में है यहाँ पे माइनस 5b, माइनस 5b होल स्क्वायर है, z स्क्वायर है, z स्क्वायर के प्लेस में है माइनस c प्लस फिर है ये 2xy, तो 2 इंटू x के प्लेस में है 3 और y के प्लेस में माइनस 5b प्लस 2yz. तो y के प्लस में माइनस 5b इंटू माइनस c प्लस 2zx, 2 और z के प्लस में माइनस c है और x के प्लस में 3. सो इक्वल टू 3a का होल स्क्वायर होगा ये 9a स्क्वायर और माइनस 5 होल स्क्वायर. तो माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस 25, तो ये होगा 25b स्क्वायर और ये c स्क्वायर. और इसमें पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस माइनस माइनस और फिर नंबर्स को. तो 2, 3 जा 6, 6 5 जा 30. और इसमें भी साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस हो 10bc और ये होगा 6c. Answer.